हेलो एंड वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हैंडराइटिंग को लेकर के, कि हैंडराइटिंग आप कैसे सुधार सकते हो और इसके पीछे क्या होता है। मेन चीज़ उसको समझेंगे कि हैंडराइटिंग के पीछे कौन सी फिर टेक्निक है जिससे आप अपने हैंडराइटिंग को विद इन सेकेंड तो नहीं कर सकते हैं, बट आप हाँ 1 से 2 घंटे में आप ज़रूर सुधार पाओगे। 5 से 10 मिनट भी इसके लिए मिनिमम है। ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो क्यों बन रही है मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र हैं इस बार बिहार इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में, तो एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ पर हैंडराइटिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कार्ड पर लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर के ज़रूर से चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम टिप्स के अलावा बोर्ड पेपर कैसे लिखना है, मतलब एग्ज़ामिनेशन में जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, किस तरीके से उसका उत्तर लिखेंगे, इन सभी की जो जानकारी है मैंने इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में दे रखी है, तो ज़रूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, हैंडराइटिंग के पीछे जो एक लॉजिक है उसको समझते हैं। हैंडराइटिंग दोस्तों ये बचपन से ही ऐसी जो चीज़ें हम लोग लिखते आ रहे हैं, और लिखते लिखते हमें लगता है कि यार मेरी जो हैंडराइटिंग है ना वो सामने वाले से उतनी अच्छी नहीं है या फिर मेरे दोस्तों से उतनी अच्छी नहीं है। आपको ऐसा भी महसूस होता होगा कि मेरे जो दोस्त की हैंडराइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो कैसे आप सुधार सकते हैं, आइए समझते हैं। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा सही पेन का चुनाव, यानी कि आप जिस पेन से लिखते हैं वो आपके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पेन तो आखिर पेन ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है दोस्तों, आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो पेन मार्केट में अवेलेबल है वो अलग अलग कंपनियों के आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं, और ये डिपेंड करता है आपके हाथ के साइज़ को लेकर के। बहुत लोग के हाथ बड़े होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ की उंगलियां पतली होती हैं, कुछ की मोटी होती है, तो इन सभी हाथों में एक तरह के पेन नहीं जा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप बहुत पहले से, मतलब बचपन से या फिर जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब से आप लिख रहे हैं उस समय से कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ लोग की हैबिट हो जाती है उस पेन से लिखते लिखते और उन लोग का हैंडराइटिंग धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ लोग की हैंडराइटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। और एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो हैंडराइटिंग अच्छी हो, तो उसके लिए दोस्तों आप एक सही पेन का चुनाव करें। आप 2-4 पेन खरीद सकते हैं मार्केट से, चाहे वो कितने रुपये का वो, ये डिपेंड नहीं करता है, 10, 20, 50, 100 या 500 का भी पेन हो सकता है, बट ये आपको चुनाव करना है। डेफिनेटली ये आपके ग्रिप और पेन के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, तो सही पेन का चुनाव करें, 2-4 पेन खरीदें, चाहे वो 2 रुपए वाला भी है या फिर 10 रुपए वाला भी है। उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग लिखने के तरीके से कौन सा पेन आपके लिए सूटेबल है, आरामदायक है और आप उसे बहुत अच्छे आसानी से लिख पा रहे हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो है पेपर को लेकर के। अब यहां पर आपको यह लग रहा होगा कि यार सभी को अलग अलग पेपर थोड़ी ना मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन की दोस्तों बात नहीं करेंगे, पेपर की भी क्वालिटी होती है। अच्छे दाम के पेपर आपको स्मूथ देखने को मिलेंगे, कुछ उससे कम दाम के भी पेपर आते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कुछ लो क्वालिटी के भी पेपर आते हैं। अब इनमें से कौन सी क्वालिटी का हम यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली जो अच्छी क्वालिटी के पेपर होंगे वो थोड़े से महंगे हो सकते हैं, बट हैंडराइटिंग के लिए वो बेस्ट हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कुछ लोग के हैंडराइटिंग किसी भी पेज पे अब बहुत ही आसानी से बैठ जाते हैं, बट मैं जैसा आपको पहले बताया कि पेन के यहाँ पर रिक्वायरमेंट जरूरी होता है, मतलब अच्छे पेन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रफ पेज पे लिखिएगा तो पेन जल्दी घिस जाएगा, उसके बॉल्स निकल जाएंगे और या फिर वो ख़राब हो सकता है या फिर वो सही से चलेगा ही नहीं। तो पेपर की जो क्वालिटी है आपको एग्जामिनेशन में, ना तो वो हाई क्वालिटी की होती है ना ही लो क्वालिटी की होती है, मतलब मिड रेंज की पेपर होती है, स्मूथ पेपर होती है और क्लासमेट जैसा स्मूथ नहीं मिलता है। अगर आप क्लासमेट का पेज यूज़ करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा, क्लासमेट के जो पेज होते हैं काफ़ी स्मूथ होते हैं, तो क्लासमेट जैसा स्मूथनेस आपको जो एग्जामिनेशन में पेपर मिलता है आंसर शीट लिखने के लिए वैसी स्मूथनेस नहीं मिलेगी पेपर, मतलब जो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा पेपर क्लासमेट वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो इसलिए आप जो है वैसे पेज का चुनाव करें, ना तो ज़्यादा वो स्मूथ हो और न ही ज़्यादा रफ हो, तो उस तरीके से आप अपने हैंडराइटिंग में सुधार ला सकते हैं। पेपर की जो क्वालिटी है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
दोस्तों अगली जो यहाँ पर टिप्स है आप कह सकते हैं हैंडराइटिंग सुधारने में, वो है पेन को पोस्चर करना, मतलब आप किस तरीके से पेन को पकड़ रहे हैं। ये हमारे पास एक पेन है आप देख सकते हैं, और मैं किस डायरेक्शन से पकड़ रहा हूँ। कुछ लोग इस तरीके से पेन पकड़ते हैं, आप देख सकते हैं सामने, कुछ लोग इस तरीके से पेन पकड़ते हैं, कुछ इस तरीके से तीन उंगली से, कुछ लोग ऐसे पेन पकड़ते हैं जहाँ पे ये आप देख सकते हो ये जो पोस्चर है वो आपको टेढ़ा दिखेगा, कुछ लोग इसे फुला करके रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो सबका जो है अलग अलग पोस्चर हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप एक बढ़िया पोस्चर चूज़ कीजिए। कुछ लोग ढक्कन को जो है वो पीछे लगा देते हैं कुछ इस तरीके से और फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने लिए आप कैसे कंफर्टेबल हो, आपकी हैंडराइटिंग कैसे अच्छी बैठ रही है, ये आप लगा करके देख सकते हो, कैप हटा करके भी देख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक सही पोस्चर आपको एक अच्छे हैंडराइटिंग बनाने में मदद जरूर करेगा। तो अपना एक पोस्चर जरूर से डिफाइन कीजिएगा कि कौन सा आपका पोस्चर अच्छा है और जिस पोस्चर में आप कंफर्टेबल हो। अब मानते हैं दोस्तों कि स्टार्टिंग में जो है आप लिखने की जो स्पीड है वो आप रॉकेट की तरह तो नहीं लिख सकते हैं, और एग्जामिनेशन में जो है इसकी ज़रूरत होती है, मतलब कि ये कि हमें एग्जामिनेशन में बहुत तेज़ लिखना पड़ता है। अब हैंडराइटिंग के लिए हमें तो स्लो लिखना पड़ेगा, मतलब हमें पहले धीरे धीरे लिखना पड़ेगा, और हैंडराइटिंग सुधारिए इसकी ज़रूरत है। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत बेसिकली है। हैंडराइटिंग अगर आप सुधारते हो तो आपको अच्छे अंक ज़रूर मिलते हैं, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, बट मैक्सिमम टीचर जो है जो आपके पेपर को चेक करेंगे वो आपको डेफिनेटली 2-4 नंबर ज़रूर से देते हैं, एक्स्ट्रा में आपको मिल सकता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी तो जो आप क्वेश्चन का जो आप आंसर लिखे रहेंगे वो भी अच्छे और स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो स्पष्ट रूप से अगर क्वेश्चन का आंसर दिखता है तो डेफिनेटली जो है एग्जामिनर आपके उत्तर को पूरा का पूरा अंक देंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको हैंडराइटिंग बैठाने के लिए अभी एक दो दिन है, तो आप स्टार्टिंग में स्लो लिखिए और ट्राई कीजिए कि धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाएँ। और हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी आप लेटर्स को लिखेंगे, ये आप अगली टिप्स भी मान सकते हैं, उस लेटर को या तो आप इटालिक लिखना पसंद करते हैं तो या तो आप इटालिक लिखिए, या आप हॉरिजॉन्टल लिखना पसंद वर्टिकल लिखना पसंद करते हैं सीधी सीधी तो आप वैसे लिखिए। ऐसा मत कीजिएगा कि ना उसमें वर्टिकल मिक्स कर देना है, नहीं आप उसमें हॉरिजॉन्टल मिक्स कर सकते हैं, मतलब कोई एक ही पोस्चर, कोई एक ही लेटर्स को लिखिए, तरीका आप एक ही रखिए, या तो इटालिक रखिए या फिर आप उसमें वर्टिकल रख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। अगली जो दोस्तों टिप है वो है एग्जामिन योर हैंडराइटिंग को लेकर के, अपने हैंडराइटिंग को परीक्षण कीजिए, देखिए कि पिछले वाले पेज में जो हमने लिखा है उससे कितना बेहतर है, और हर बार ट्राई करें कि बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिए चलो यार मन नहीं कर रहा है क्या करें, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 4-5 पेज ही लिखें। अब मानते हैं कि एग्जामिनेशन काफ़ी सर पे है तो आप कुछ अलग चीज़ों को ना लिखें, आप अपने क्वेश्चन आंसर को ही लिखें और याद करने के पर्पज से लिखें, तो डेफिनेटली आपकी जो हैंडराइटिंग है सुधर जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जिससे आप अपने हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूँ अगर आप इन चीज़ों को करते हैं, मैट्रिकुलेशन वाले छात्रों को पास तो बहुत समय है अभी, 10 से 12 दिन मतलब एक्स्ट्रा समय है, तो वो लोग कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वाले छात्र के पास कम समय है, बट मैं आपसे कहूँगा कि आप 1-1 घंटा डेली देते हैं तो 2 से 3 दिनों में आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी, इसकी मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। बट डिपेंड ये करता है कि जितने मैंने आपको टिप्स बताई है उसे आप सही से फॉलो करेंगे तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा शर्मा जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।